सबसे पहले आपने फाइबर की वेबसाइट खोल लेनी है। फाइबर की वेबसाइट खोलने के बाद आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सपोर्ट का भी मिलेगा, सपोर्ट का आप मिलेगा तो यहाँ पे आप हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपका एक न्यू टैब खुलेगा। न्यू टैब में आप यहाँ पे आप फाइबर से कोई भी हेल्प दे सकते हैं। यहाँ पे फाइबर हेल्प
तरह उसने ब्लॉग्स लिखे हुए सारे के सारे सारे ब्लॉग्स हैं, ये सारे आप पढ़ सकते हैं, आपको आपको इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा इशू आपका। अगर रिजॉल्व नहीं होता फिर भी ये करने के बाद और वीडियोस देखने के बाद कोई इशू आपका रिजॉल्व नहीं होता तो आप यहाँ पे फाइबर से मैसेज कर, फाइबर को मैसेज कर सकते हैं, फाइबर की है तो उसको भी मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज कर यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट में अपना यहाँ बताएंगे कि आपका इशू क्या है, आपका इशू गिफ्ट सिम कर लेके ऑर्डर का इशू आ रहा है, अकाउंट का इशू आ रहा है, पेमेंट का इशू आ रहा है, जो भी इशू आ रहा है आप बताएं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर का इशू आ रहा है, ऑर्डर में क्या वर्क काइंड ऑफ इशू, क्या ऑर्डर का इशू आ रहा है आपका, जनरल इशू आ रहा है या फिर आप अपना ऑर्डर कैसे करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ऑर्डर कैसे करवाना चाहता हूँ। तो फिर एक और ऑप्शन दिया फाइबर ने, मैं क्या हूँ, मैं बायर हूँ सेलर फाइबर पे या सेलर हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल सेलर हूँ फाइबर पे, तो व्हाट सीम्स टू बी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम क्या रहता है, बायर ऑर्डर बाय एक्सीडेंट, बायर ने गलती से ऑर्डर कर दिया, ये सब इश्यूज भी हैं, बायर मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा मेरी, बायर सेटिस्फाइड नहीं है मुझसे, बायर कमिटेड टू फ्रॉड, मतलब बायर ने फ्रॉड किया है सर, कोई भी इशू है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि एग्री टू मुझे भी कैसे ऑर्डर, हमने दोनों ने कहा है कि हम कैसे ऑर्डर कैसे करेंगे, तो ये चीज है, ये आपने बायर ने लिखा हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ जो जो आपने करना है, जो जो फायर ने ये कहा है तो आप ये कर सकते हैं, इसलिए आपको हेल्पफुल होगा। और अगर ये पढ़ने के बाद भी आपको इशू आ रहा है तो आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपना यहाँ का सब्जेक्ट ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कैंसिल माई ऑर्डर, आपने सब्जेक्ट लिखा और जो भी आपका रीजन है, जो भी आपका रीजन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका अंडरस्टैंड हुआ है कि आप दोनों अपना ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, तो लिखे वी अंडरस्टैंड मुचुअली विद बायर टू कैंसिल अवर ऑर्डर, और आप अपना इसमें पर्पस भी बस आप बता सकते हैं कि आप अपना पर्पस भी बता सकते हैं कि आपने कैंसिल ऑर्डर क्यों करवाना है, क्यों आपने मुझे लगे इसको मुझे भी किया है कि क्या अपना ऑर्डर कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो लिखना पर्पस का पर्पस ऑफ द पर्पस टू कैंसिल द ऑर्डर इज बायर order accidentally। तो बेसिकली मैंने पर्पस लिखा है कि हम इसलिए ऑर्डर कैंसिल करवाना चाहते हैं क्योंकि बायर ने गलती से ऑर्डर प्लेस कर दिया है और उसको आप वो कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो ये आप रीजन लिखिए। अगर आपके पास कोई अटैच फाइल है तो आप अटैच फाइल कर सकते हैं, बंदा और ऑर्डर आई बंदा आप आगे जा सकते हैं, और उसके बाद ऑर्डर आईडी जो आपकी आईडी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी आईडी है एफ, तो जो भी आपकी ऑर्डर आईडी है, जो भी आपकी ऑर्डर आईडी है वो आईडी जो आपके साथ जो बायर कैंसिल करवाना चाहते हैं वो आईडी आप यहाँ लिखेंगे, और वो आईडी आप यहाँ लिखेंगे, उसके बाद आप सबमिट आर रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे, सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद फाइबर जो है फाइबर के पास आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी और फिर 24 आवर्स फाइबर का टीम फाइबर की टीम बहुत ही कॉम्पिटेटिव है, बहुत मजबूत है, वो विद इन 24 आवर्स आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, तो आप आपका सोल्यूशन आपके पैसों का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं इसलिए पहले सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, तो इसलिए आप कोई भी इशू है तो आप फाइबर को ईजी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि आप कैसे फाइबर को अप्रोच कर सकते हैं, आप कैसे आपकी प्रॉब्लम में इशू रिजॉल्व कर सकते हैं फाइबर को, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी, और आपकी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चाहते हैं कोई किसी भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर ले सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पर आपकी वीडियो बना सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आएगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।